डिलीवरी के बाद पेट को बांधना। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, डिलीवरी के बाद पेट पर बेल्ट बांधने के या फिर कपड़ा बांधने के क्या फ़ायदे होते हैं, और ये कब से बांधना चाहिए, कितनी देर के लिए बांधना चाहिए और कब तक बांधना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि पेट पे बेल्ट बांधने से या फिर कपड़ा बांधने से ये आपके बेली फैट को कम कर देता है, आपके बॉडी को पहले वाले शेप में लाता है, आपके दर्द को दूर करता है, बैक पेन को दूर करता है, बॉडी के सूजन को कम करता है, आपके बैक को सपोर्ट देता है, जिससे कि पेट दर्द में भी राहत मिलती है। तो इसके बहुत सारे फायदे बताए जाते हैं। और सदियों से ही डिलीवरी के बाद पेट पे कपड़ा बांधने का रिवाज है, और गांव में अभी भी डिलीवरी के बाद कपड़ा ही बांधा जाता है, शहरों में बेल्ट लगाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि टाइट कपड़ा बांधने से या फिर टाइट बेल्ट पहनने से आपका पेट कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे आपका पेट कम नहीं होता है। और डिलीवरी के बाद बहुत सारी महिलाएं घबरा जाती हैं कि वो 5 से 6 महीने की गर्भवती दिखाई दे रही हैं और उनका पेट कैसे कम होगा, कैसे वो जल्द से जल्द अपने पुराने वाले शेप में आ सकती हैं, क्योंकि कोई भी मोटा दिखना नहीं चाहता। और जो महिलाएँ हमेशा से फिट रहना चाहती हैं, उनको उनका पेट इतना बड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि वो 5 से 6 महीने की गर्भवती दिखाई दें। तो ऐसे चक्कर में बहुत सारी महिलाएं पेट पे काफ़ी टाइट बेल्ट बांध लेती हैं या फिर कपड़े को काफ़ी टाइट बांध लेती हैं, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदायक होता है, ना कि फ़ायदेमंद, क्योंकि ये जो बेल्ट होता है, जो कपड़ा बांधा जाता है, वो आपके बैक को सपोर्ट देने के लिए बांधा जाता है, ना कि आपके बेली फैट को कम करने के लिए। इससे आपका बेली फैट कम नहीं होता। आपकी प्रेगनेंसी 9 महीने चलती है, 9 महीने में आपका पेट इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो पेट को कम करने के लिए 9 महीने का समय तो दीजिए। एकदम से पेट कम करने के चक्कर में रहेंगे तो इससे आप तनाव में आ सकते हैं और आप अपने बच्चे की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया है, मैं पेट को बांध लूँ, तो इससे आपको परेशानी तो होगी ही, साथ ही साथ आप ठीक से खाएंगे पिएंगी नहीं। आपको लगेगा मैं ये खा लूँ तो मेरा मोटापा कम हो जाएगा, मैं ये खाऊँगी तो मेरा मोटापा बढ़ जाएगा, तो मुझे ये नहीं खाना, तो इससे आपके बच्चे को ही परेशानी होगी। तो डिलीवरी के बाद कुछ दिन तक आप आराम कीजिए, अपने पेट के बारे में मत सोचिए, और जितना हो सके हेल्दी खाना खाइए, ताकि आपका बॉडी पहले की तरह स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इस समय आपका बॉडी काफ़ी कमज़ोर रहता है। तो पहले की तरह स्ट्रांग होना पहले ज़रूरी है। और आप ये मान के चलो कि जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया है, तो आप उस समय से अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकते हैं, टहलने पे ध्यान दे सकते हो, खाने पीने पे ध्यान दे सकते हो, तो आपका पेट बहुत ही आराम से कम हो जाएगा, आपका वजन पहले की तरह हो जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि डिलीवरी के बाद आपको कब से बेल्ट बांधना चाहिए। तो नॉर्मली अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 2 से 3 दिन के बाद ही अपने पेट को बांध सकते हैं, और ध्यान रखिएगा कि आपको टाइट नहीं बांधना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। और अगर आपकी सिजरियन डिलीवरी हुई है तो सिजरियन डिलीवरी के बाद आपका टाका आता है, तो उस समय आपको बेल्ट नहीं बांधना चाहिए, आपको ड्रेसिंग के बाद ही बेल्ट को बांधना चाहिए, और वो भी जहां आपका टाका आया है उससे ऊपर बांधना चाहिए। इसके अलावा नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जब तक आपका घाव नहीं बढ़ जाता है तब तक आपको बेल्ट नहीं बांधना चाहिए। तो लगभग आप ये मान के चलो कि 2 महीने तक आपको बेल्ट नहीं बांधना चाहिए, उसके बाद आप बेल्ट बांध सकती हैं। लेकिन अगर आपको उससे पहले लगता है कि मुझे बांधना चाहिए, आपके बैक में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप जहाँ आपका टाका आया है, जहाँ चीरा आया है, उससे ऊपर बेल्ट बांधिए, उससे नीचे मत बांधिए, नहीं तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। ठीक है, अब ये बात आती है कि आपको कितनी देर बांधना चाहिए। तो आपको हमेशा बेल्ट को बांध के नहीं रखना है, क्योंकि इससे आपका बेली फैट कम नहीं होगा। आप सो रही हैं तो खोल दीजिए, अगर आप नॉर्मल तरीके से बैठे हो तब भी आप बेल्ट को उतार सकते हैं। आपको बेल्ट कब लगाना चाहिए, मान लीजिए कि अगर आप टहल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हो, तो उस समय आपके कमर में दर्द हो सकता है, तो आप उस समय बांध सकती हैं। अगर आपको लगातार ही बांधने का मन है तो बीच बीच में आप उतार दीजिए, यानी कि गैप ले लेके आप बांधिए, इससे भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लगातार बांध के रखेंगे तो आपको रैसेस हो सकते हैं, चकते हो सकते हैं, घाव वगैरह हो सकते हैं, और टाइट बांधेंगी तो इससे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, इससे हर्निया होने तक का चांस हो सकता है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है, तो अगर आप कस के बेल्ट को बांधेंगी या कपड़े को बांधेंगी तो इससे आपकी ब्लीडिंग और भी ज़्यादा होगी, और आपका जो अंदर की मांसपेशियां हैं वो और भी ज़्यादा चोटिल हो सकती हैं। इसलिए अपने मांसपेशियों को आराम देने के लिए आप
ज़्यादा टाइट बेल्ट को ना बांधें। अगर आप नॉर्मल तरीके से बांधेंगी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और पेट को कम करने के लिए बेल्ट के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि आप डिलीवरी के कुछ महीनों के बाद से अपना सकते हैं और अपने बॉडी को पहले वाले शेप में ला सकती हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि डिलीवरी के बाद पेट बांधने वाले बेल्ट का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए, कब से करना चाहिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।